नमस्कार, स्वागत आपका धरातल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। इस समय मैं मौजूद हूं नाथूसरी चोपटा, यहां पर कुतियाना गांव के अटल युवा कुछ युवा साथी पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि गांव के अंदर अवैध निर्माण कार्य जो है वो हो रहे हैं, और इसकी शिकायत उन्होंने गांव के सरपंच से भी की है, जैसा कि इन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि गांव के सरपंच से जब इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए वो अपनी शिकायत को लेकर के यहां पर वीडियो कार्यालय के अंदर आए हैं। बातचीत करते हैं, आखिर वो युवा जो है वो इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। हाँ जी, क्या मामला है आज का? गांव में जी अवैध निर्माण कार्य है, काफ़ी सारे पूरे भी हो चुके हैं, एक दो कार्य अभी भी चल रहे हैं, उस पर वीडियो साहब को अवगत कराने आए हैं। अच्छा, इन दिनों कुछ निर्माण कार्य भी हुए हैं? हाँ, अभी बीते कुछ ही दिन पहले निर्माण कार्य पूरे हुए हैं एक दो, और अभी भी एक दो कार्य जारी हैं। उनके बारे में वीडियो साहब को एप्लीकेशन भी बाकायदा दी है, उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज शाम तक ही कोई कार्रवाई जरूर की जाएगी, उन्हें रुकवाया जाएगा। सरपंच साहब से क्या बात? सरपंच साहब को अवगत काल ही करवा दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, और उसके बाद उन्होंने हमसे कोई बातचीत भी नहीं की है। सरपंच के मामले संज्ञान में ये मामला है क्या? हाँ जी, कल शाम को इस बारे में बता दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई ना तो एक्शन लिया इस बारे में, और ना ही किसी तरह का आश्वासन हम लोगों को दिया है। तो फिर हम वीडियो ब्लॉक में उच्च अधिकारी जी के पास पहुंचे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई आज शाम तक ही आपका जो निर्माण कार्य ये चल रहे हैं, अवैध निर्माण कार्य है, उन्हें रुकवा दिया जाएगा। आपका देखो, हमने गांव में अटल युवा क्लब के नाम से क्लब बनाया हुआ है। गांव वालों ने हमारे क्लब के प्रधान से बात करी कि गाँव में ऐसे ऐसे अवैध कब्जे हो रहे हैं, तो हमने भी उसका संज्ञान लिया कि क्यों न देखा जाए। जब देखा तो ज़मीनी हकीकत बिल्कुल सही मिली। उसके बाद हमने सरपंच साहब से भी संपर्क किया, तो उन्होंने कहा मैंने तो जो कार्रवाई करनी अपनी कर दी, अब देख लो। अब हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तो उसके बाद हम वीडियो साहब के पास आए। वीडियो साहब ने हमने ये अपने जो शिकायत है वो अटल युवा क्लब की तरफ से लिखित में दे दी है, और अब उन्होंने कहा है कि जो हो रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से रुकवाया जाएगा। जल्द से जल्द जो भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे। कुछ पहले हुए थे, कुछ अभी हुए हैं इन्हीं दिनों में, कुछ चल रहे हैं, तो लगभग हम कह सकते हैं कि गांव में अवैध कब्जे अभी जारी हैं। अच्छा, सर आपके पास कुतियाना गांव की अवैध कब्जों के लेकर के एक शिकायत दर्ज हुई है। हाँ जी, उसके बारे में आपका क्या संज्ञान है, क्या कुछ है? जी, कुतियाना ग्राम पंचायत से कुछ शिकायतकर्ता आए थे अभी कुछ देर पहले ही, उन्होंने शिकायत दी कि कुछ अवैध निर्माण हो रहे गाँव में। तो जी, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया है कि जो भी अवैध निर्माण है उस बारे में सरपंच को जल्दी से जल्दी सरपंच को बता दिया जाएगा कि अवैध निर्माण कार्य को रुकवाया जाए, जहाँ भी अवैध निर्माण हो रहे हैं। और जो बाकी जो इसका प्रोसेस है वो यही है कि आगे निशानदेही होगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि अवैध कब्जे में निर्माण हो रहे हैं, या फिर जो जहाँ पर निर्माण हो रहे हैं वो व्यक्तिगत उनकी निजी संपत्ति है, तो यह निशानदेही के बाद होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो, तो जैसे वह कार्य पूरा होगा उसके बाद हम बाकी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले कोई और भी गांव की आपके पास ऐसी कोई शिकायत है जिसमें अवैध कब्जे? हाँ जी, मेनली काफ़ी गांव से अवैध कब्जे की शिकायत हैं आ रखी हैं इस अपने विभाग में, लेकिन ये एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि निशानदेही होने के बाद उसको पुलिस सहायता मांगी जाती है, उसके बाद ही क्या था कोर्ट, क्योंकि जो जिसने अवैध कब्जे पर निर्माण किया कई बार वो कोर्ट पहुँच जाता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता ही है। नौकरी पर है आपका हक, चलें लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के लिए।